हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीजीटी फिजिक्स एचटेट दिसंबर 2017 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें 141 से 150 तक क्वेश्चन रहेंगे। 141 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें गिव्स फ्री एनर्जी गिवन है, दैट इज एच माइनस टी एस, एच इज एंथैल्पी, टी इज टेम्परेचर, एस इज एंट्रोपी, जी इज गिव्स फ्री एनर्जी। तो गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू बतानी है। अगर प्रोसेस क्या हो, आइसोथर्मल हो, आइसोबारिक हो एंड रिवर्सिबल हो, तो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी लेंगे। चेंज इस तरफ भी लोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एच माइनस चेंज इन टी एस। डेल्टा एच माइनस दिस विल बी टी एज इट इज़ डेल्टा एस माइनस एस एज इट इज़ डेल्टा टी। ये माइनस एडजस्ट कर दिया, अंदर यू इंटू वी लगा दिया। और डेल्टा एच क्या होता है, यू प्लस पी वी। डेल्टा ऑफ यू प्लस क्या हो जाएगा, पी वी माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी। नाउ दिस विल बी डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पी वी माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी। डेल्टा यू क्या होता है, दैट इज़ फर्स्ट क्लास है। डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्लू प्लस ये हो गया पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी। अब यहाँ से डेल्टा क्यू है जो इंट्रोपी वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, चेंज इन इंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी होता है। तो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू होती है टी इंटू क्या होता है डेल्टा एस, यहाँ पे यूज़ करो टी इंटू डेल्टा एस प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है माइनस पी डेल्टा वी और प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी। इस एस डेल्टा टी डेल्टा एस से टी डेल्टा एस कैंसिल, पी डेल्टा वी से पी डेल्टा वी कैंसिल, आपके पास दो टर्म बचेंगी, दैट इज़ वी डेल्टा पी माइनस एस डेल्टा टी, एस डेल्टा टी। अब आइसोबारिक प्रोसेस है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, दिस टर्म इज़ ज़ीरो एंड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस दिस इज ज़ीरो। तो डेल्टा जी आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो, मतलब चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज ज़ीरो। एंड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज ज़ीरो, इट मीन्स दैट जी इज़ कॉन्स्टेंट, जी इज़ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी तो तभी उसमें चेंज क्या होगा, जीरो रहेगा। तो फॉर आइसोथर्मल आइसोबारिक रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज ज़ीरो एंड जी इज कॉन्स्टेंट। तो इट इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट नॉट जीरो। नेक्स्ट 142 क्वेश्चन है। जो इसमें आपसे पूछा गया है, एक इलेक्ट्रॉन है वो प्लेस्ड इन पाथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग विद। देखो, इलेक्ट्रॉन इज़ कैप्ट इन द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट ओसिलेट्स परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट कर रहा होता है। तो जब अगर ये इसके पाथ में आएगा तो इट स्टार्ट्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है दैट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड हेयर, देन इट मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 143 143 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जीएम काउंटर दे रखा है, वो ऑपरेट्स एन ऑन 1100 वोल्ट पे ऑपरेट करता है, और इसमें जो प्लेटो रीजन आता है वहाँ पे मतलब चेंज विद चेंज इन अप्लाइड वोल्टेज या ऑपरेटिंग वोल्टेज बताता है, दैट इज 3% पर 100 वोल्ट, या 3 वोल्ट का रीजन डिफरेंस आता है 400 वोल्ट के लिए, और साथ में फ्लक्चुएशंस दे रखी हैं, दैट इज़ 0. मैक्सिमम फ्लक्चुएशन इज 0.1%, मतलब 400 वोल्ट के लिए फ्लक्चुएशन मैक्सिमम 0.1। तो इसका मतलब हमें टोटल फ्लक्चुएशन फॉर दिस वोल्टेज निकालना है। तो सिंपल है कि 100 वोल्ट के लिए चेंज कितना है, 3 वोल्ट का, 1 वोल्ट के लिए क्या हो जाएगा 3/100, और इनटू टोटल वोल्टेज कितनी है 1100, और फ्लक्चुएशन अगर चाहिए तो 100 वोल्ट के लिए कितनी है, दैट इज़ 0.1। तो इसको सोल्व कर देंगे, दैट इज़ 3.3 वोल्ट, दैट इज़ द मैक्सिमम फ्लक्चुएशंस इन ऑपरेटिंग वोल्टेज।
100 वोल्ट के लिए प्लेटो रीजन से जो चेंज आएगा दैट इज़ दिस एंड द फ्लक्चुएशंस आल्सो मल्टीप्लाई 400 वोल्ट, तो फॉर 1100 वोल्ट के लिए क्या हो जाएगा दैट इज़ 3.3 वोल्ट. तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशंस इन ऑपरेटिंग वोल्टेज विल बी 3.3 वोल्ट. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 144. यहाँ पे एक टीवी टावर है ऑफ हाइट 100 मीटर, दैट इज ए टावर ऑफ हाइट 100 मीटर. तो इससे रेज ट्रांसमिशन होंगी डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में रेज ट्रांसमिशन करेगा ये. तो इसने ये बोल रखा है कि अगर पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो 100,000 है पर किलोमीटर स्क्वायर में, पर किलोमीटर स्क्वायर में पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज़ 1,000 पर किलोमीटर स्क्वायर. ओके, आपको ये बताना है एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी अराउंड दिस इज़ दिस, टोटल पॉपुलेशन कवर्ड बतानी है इन दिस टावर बाय दिस टावर, टोटल पॉपुलेशन कवर्ड. तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रेंज ऑफ द ट्रांसमिशन चाहिएगी. अगर हमें रेंज ऑफ ट्रांसमिशन मिल जाए, रेंज ऑफ ट्रांसमिशन दैट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल यू कैन टेक एंड द एरिया इज पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी द एरिया कवर्ड बाय द रेज, ठीक है. इफ़ दिस एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस, इसको पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, पर मीटर स्क्वायर में कितना होगा दैट इज 1000 इंटू किलोमीटर एज द वैल्यू 10^3 इंटू -2 दैट विल बी पर मीटर स्क्वायर. तो आ जाएगा 10^3 इंटू 10^-6 पर मीटर स्क्वायर, 10^-3 पर मीटर स्क्वायर. ये एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है. ओके, तो अब हमें पहले रेंज ऑफ ट्रांसमिशन निकालनी होगी. रेंज ऑफ ट्रांसमिशन का फार्मूला होता है रेंज ऑफ ट्रांसमिशन फॉर ए टावर, ट्रांसमिशन फॉर ए टावर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 6.4 इंटू 10^6 इंटू हाइट दैट इज 100. ओके, इसको सोल्व करेंगे दैट इज 12.8 इंटू 10^8 अंडर द रूट. ओके, 100 मीटर टावर इज हियर. ओके, तो अब इसको रूट करेंगे तो दिस विल गिव यू एज 3.6 इंटू 10^4 मीटर. दिस इज़ द रेंज. देन एरिया कवर्ड इज़ पाई आर स्क्वेयर, तो पाई 22/7 3.14 इंटू आर स्क्वेयर 3.6 इंटू, इसका स्क्वेयर करेंगे तो 10^4 इंटू 4 10^8 इंटू एवरेज डेंसिटी, इंटू एवरेज डेंसिटी. एवरेज डेंसिटी इज 10^-3 पर मीटर स्क्वेयर, मीटर स्क्वेयर से मीटर हट जाएगा. इस वैल्यू को सोल्व कर दो भाई, 3.6 इंटू 3.6 सिंपल आर स्क्वेयर ही चाहिए था, यही वैल्यू आ जाएगी 12.8. लिख लो इसकी वैल्यू 12.8 इंटू 10^8 इंटू 10^-3 इंटू 3.14, नियरली 3 ले लो इसको, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 24, 2 3 2 जा 6 2 8 और 3 1 जा 3 दिस, और ये नियरली 4 आ जाएगा, यह आ जाए 38.4 इंटू 10^4 क्या होगा 5, यह आ जाएगा 3.84 इंटू 10^6 और नियरली 4 लेंगे इसको पूरी, क्योंकि वैल्यू को यूज़ करेंगे तो 4 इंटू 10^6 ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. इतने नंबर ऑफ पीपल होंगे या पॉपुलेशन होगी 4 इंटू 10^6 पर किलोमीटर पर इन द रेंज कवर्ड, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कवर्ड बाय द ट्रांसमिशन टावर इज 4 इंटू 10^6 दैट इज 40 लाख. नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ 145. इसमें आपको इंडक्टिव कॉयल दे रखी है, कैपेसिटिव कॉयल कनेक्टेड इन पैरेलल
एक इंडक्टिव कॉयल है और एक कैपेसिटिव कॉयल है, पैरेलल के अंदर प्लेस हैं। कैपेसिटेंस है 0.1 माइक्रोफेराड एंड इंडक्टर है 1 मिली हेनरी। तो आपको ये बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉयल इन द सर्किट रिमेन ऑसिलेटरी। सर्किट ऑसिलेटरी रहने के लिए जो मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है दैट विल बी इक्वल, हाफ ऑफ एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ से आप ले सकते हो एनर्जी इज हाफ एल आई स्केयर एंड एनर्जी फॉर द कैपेसिटर इज हाफ सी वी स्केयर। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, दैट इज़ वी बाई आई स्केयर इज इक्वल टू एल बाय सी। आई वी स्केयर बाय आई स्केयर इज इक्वल टू एल बाय सी। तो वी बाई आई इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस दैट विल बी एल बाई सी अंडर द रूट। यहाँ से एल बाई सी निकालो, एल क्या है 1 मिली और सी क्या है 0.1 इंटू 10^-6। इसको 1 करेंगे तो 10^-7 अंडर द रूट ये आ जाएगा भाई, 10^ ऊपर -7 -3+7 हो जाएगी अंडर द रूट, दैट विल बी 10^4 अंडर द रूट 10^2 ओम, दैट इज 100 ओम। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज 100 ओम, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज 146। इसमें गिवन है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी आ जाए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो दैट विल बी द हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर, और टोटल एनर्जी इज हाफ एच कट ओमेगा। तो दिस विल बिकम्स 1/4 एच कट ओमेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, एच कट ओमेगा बाय 4 एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The color of LED, जो light emitting diode होते हैं उसके अंदर जो color होता है LED का, color of LED वो depend करता है भाई material पे, और mainly base करता है semiconductor band gap पे, valence band और conduction band का जो energy difference होता है उस पर depend करता है, और that gives the different colors of LED। So band gap depends करता है materials पे। तो इसका correct option रहेगी द कलर ऑफ LED डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 148 क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, दैट इज x प्लस 3y अलोंग x एक्सिस कंपोनेंट है, y माइनस 2z अलोंग y एक्सिस है, और x प्लस बीटा z अलोंग z एक्सिस है। तो आपको ये बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बीटा इट विल बी करेक्ट एट एनी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। तो हमें ये पता है कि देखो अगर कोई भी सरफेस है उसमें जितनी मैग्नेटिक लाइन इंटर करती हैं उतनी मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकलती हैं, ठीक है, उतनी मैग्नेटिक लाइन बाहर निकलती हैं। इसका मतलब दे फॉर्म क्लोज कर्व्स, आउटर में ऐसे मैग्नेटिक लाइंस बनती हैं, दे फॉर्म क्लोज कर्व्स। तो इस इट मीन्स दैट जो नेट फ्लक्स है, चेंज इन फ्लक्स, नेट इंटरिंग फ्लक्स इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, डेल्टा फाई दैट इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन फ्लक्स दैट इज जीरो, और दैट फील्ड आर, दैट वेक्टर फील्ड्स आर नोन एज सोलेनोइडल फील्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा एक सोलेनोइडल फील्ड होता है, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर देखा जाए, डाइवर्जेंस ऑफ बी वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि B इज सोलेनोइडल फील्ड। तो B सोलेनोइडल होता है क्योंकि जो नेट इंटरिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स इक्वल होता है, या चेंज इन फ्लक्स एट एनी पॉइंट या एनी सरफेस इज जीरो, इट मींस दैट द डाइवर्जेंस इज जीरो। सो डाइवर्जेंस ऑफ B इज जीरो, सो B इज ए सोलेनोइडल फील्ड। तो हम ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे। डाइवर्जेंस के लिए क्या होता है, ऑपरेटर हैज़ द वैल्यू कर्ली बाय कर्ली x i
प्लस करली बाय करली वाई जे करली बाय करली एक्स के कैप, ठीक है, डॉट करा दो विद मैग्नेटिक फील्ड के साथ, दैट इज एक्स प्लस थ्री वाई इंटू आई कैप प्लस वाई माइनस टू जेड इंटू जे कैप प्लस एक्स प्लस बीटा जेड इंटू के कैप। डॉट कैसे होती है, आई का कोएफिशिएंट आई से जे का जे के साथ, तो ये आ जाएगा करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स प्लस थ्री वाई प्लस करली बाय करली वाई ऑफ वाई माइनस टू जेड प्लस करली बाय करली जेड ऑफ जेड का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, दैट इज एक्स प्लस बीटा जेड। सोल्व कर दो भाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई ट्रीट एट कॉन्स्टेंट एंड वन प्लस विद रिस्पेक्ट टू वाई दैट इज वन विद रिस्पेक्ट टू जेड दैट इज बीटा, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा बीटा प्लस टू इक्वल टू जीरो एंड बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा हैज़ द वैल्यू माइनस टू, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 क्वेश्चन में द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड है 3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कितना, 5। तो आपको ये बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इज द वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू इन द सेम डायरेक्शन के लिए होती है, दे आर एड अप, एंड मिनिमम वैल्यू जो होती है रिजल्टेंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड मिनिमम होता है, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, मतलब मैक्सिमम ज़्यादा में से कम को घटा दो चें, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, दिज आर द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट पॉसिबल वैल्यूज। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इज 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इज 538। तो रिजल्टेंट ऑलवेज लाइज इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज, हेयर द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट आर ऑप्शन में है 7 है, 4.3 है और 1 है थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन इज 3। तो यहाँ से देखेंगे तो ये वैल्यू लाई करती है इसके बीच में, ये भी करती है, ये भी करती है, लेकिन 1 इस बीच में लाई नहीं करता। सो रिजल्टेंट कैन नेवर हैव द वैल्यू 1 फॉर दीज वैल्यूज ऑफ वैक्टर्स मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। तो क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन, वन इज़ नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट फॉर ए मैग्नीट्यूड इज 3 एंड बी मैग्नीट्यूड इज 5। एक मिनट, 150 क्वेश्चन फाइनल किसका है, दो मिनट में करूँगा, दो मिनट में। 150 क्वेश्चन पे आते हैं। एक ट्रांजिशन हैज आई बी बेस करंट इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पियर एंड आई सी इज 2 मिली एम्पियर, हेयर चेंज इन बेस करंट इज 20 माइक्रो एम्पियर एंड चेंज इन कलेक्टर करंट इज 0.50 मिली एम्पियर, फाइंड फॉरवर्ड एमिटर गेन बताना है अपने। तो दैट विल बी द एमिटर गेन है तो कॉमन एमिटर सर्किट के लिए होगा, तो आउटपुट करंट का चेंज बाय इनपुट करंट चेंज दैट इज डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई बी एट कॉन्स्टेंट बेस एमिटर वोल्टेज बेस एमिटर वोल्टेज। तो यार चेंज इन आई सी इज गिवन दैट इज 0.50 मिली दैट टेंस फॉर माइनस 3 एंड बेस हैज़ द वैल्यू 20 इंटू माइक्रो टेंस फॉर माइनस 6, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस 6, ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, जीरो कैंसिल और 10 से 10 5 बाय 200 इंटू 10^3, ये यहाँ से एक पावर बचेगी दैट इज 50/2 25। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।